हेलो गाइस नमस्ते हेलो गाइस नमस्ते हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर वेल एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल एंड योर फैमिली मेंबर्स सो गाइस आज है नवरात्रि एंड मैं सुबह उठी नहाई धोई सब कुछ कर लेने के बाद फुल्ली रेडी हो जाने के बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ. तो आज का मेरा जो ब्लॉग है नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग है. एंड गाइस ये मेरा ओवरऑल लुक है आज का. मेरा ये कुर्ता थोड़ा छोटा हो गया था मतलब थोड़ा बड़ा हो गया एंड मैं फटाफट टेलर के पास गई. बगल में टेलर है तो उसने मेरा ये कुर्ता को छोटा नहीं कर दिया. अभी सुबह सुबह नहीं होगा बोला एंड मुझे आज ऐसे ही न्यू ड्रेस को ऐसे ही पहनना पड़ेगा. मैं उस दिन से ट्राई नहीं कर रही थी क्योंकि पूजा का कपड़ा था एंड बॉडी जूठा वगैरह था तो मैं ट्राई नहीं कर रही थी एंड ऐसा निकल गया लास्ट मोमेंट में. बहुत ख़राब भी लग रहा है बट कोई नहीं आज चला लूँगी ऐसे ही काम. एंड अभी हम मंदिर जाने वाले हैं. मम्मी घर में पूजा कर रही है. पूजा कर लेने के बाद हम जाएंगे दुर्गा मंदिर जो कि हमारे घर के बगल में है. उसके बाद हम लोग काली मंदिर भी जाने वाले हैं. तो गाइस ब्लॉग को एंड तक देखना. प्लस मैं आज नाइट का आरती भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हम लोग के यहाँ पे कितना ग्रैंड वे में आरती होता है एंड कैसे कैसे नाइट में क्या क्या होता है सब कुछ शेयर करने वाली हूँ. आज फुल डे मैं शेयर करने वाली एंड मैं पार्लर जाऊँगी वहाँ पर क्या करूँगी कैसे कैसे क्या क्या करूँगी क्या क्या काम करूँगी वो सभी शेयर करने वाली हूँ. तो ब्लॉग को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. सो लेट्स सी मम्मी क्या कर रही है उसके बाद चलते हैं मंदिर. तो यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है एंड मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ बाहर में क्या हो रहा है कैसा माहौल है यहाँ का. ये हमारा घर का बाहर का नज़ारा है. यहाँ पे दुर्गा मंदिर. तो ये न्यू मंदिर है उसके बगल में भी पुराना मंदिर है जहाँ पे पूजा हो रहा है. ये न्यू मंदिर में नेक्स्ट ईयर से होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी उतना भीड़ नहीं है क्योंकि अभी सुबह ही है एंड उतना लोग अभी आया नहीं है. तो अभी हम जाएंगे मंदिर उसके बाद आपको इसे शेयर करूँगी कैसे हम लोग यहाँ पर पूजा करेंगे कैसे क्या करने वाले हैं आज का डे. तो अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए. तो घर के बगल में है तो टाइम नहीं लगेगा. यहाँ पे मम्मी और मेरा भाई है. पापा सुबह ही पूजा कर लिए थे एंड मुझसे पूजा का थाली गिर गया फिर से मम्मी लेने गई है एंड तब तक मैं यहाँ पे वेट करूँगी. पूजा का थाली गिर गया बहुत ख़राब हुआ लेकिन घर का बगल में था तो फिर से मम्मी लाने चल गई एंड मैं यहाँ पे मम्मी का वेट करूँगी तब तक. एंड यहाँ पे देखो ये है मेरी स्टूडेंट यानी कि इसने भी मुझसे पार्लर सीखा था बहुत पहले एंड उसका भी बेबी है. एंड यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड लाइन लगा हुआ है सबका. एंड अब हम लोग का भी लाइन लगना पड़ेगा तभी पूजा कर पाएंगे एंड कब मम्मी आएगी पता नहीं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब लोग लाइन में पूजा के लिए खड़े हैं एंड अभी तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है फिर भी भीड़ ही है इतना में भी अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं. यहाँ पर मेरा फ्रेंड है गौरव एंड गाइज मम्मी आ चुकी है एंड अब हम लोग लगने वाले हैं लाइन में. तो यहाँ पे मेरा भाई है लाइन में लगा हुआ पहले एंड हम लोग पीछे पीछे हैं तो लाइन खाली कब होगा पता नहीं बट फिर भी पूजा तो करना ही पड़ेगा जल्दी जल्दी जाके. एंड मुझे भीड़ भाड़ अच्छा भी नहीं लगता है ज़्यादा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है आगे एंड सब लोग पूजा कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप हमारा मूर्ति देखो कितना सुंदर मूर्ति है. तो इस साल ये मंदिर में पूजा हो रहा है पुराना मंदिर में पूजा हो रहा है. नेक्स्ट ईयर से तो और ज़्यादा ग्रैंड वे में पूजा होगा क्योंकि नए मंदिर में शिफ्ट हो जाएगी दुर्गा माता. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दुर्गा माता का मूर्ति जो बनाया गया है. एंड फाइनली हम लोग का ट्रॉन आ चुका है एंड हम लोग आगे हैं एंड यहाँ पे मम्मी कर रही है पूजा उसके बाद भाई और मैं पीछे हैं. हम लोग भी अभी आगे जाने वाले हैं ये आंटी हटेगी तब. एंड गाइज ये आंटी हटी और मैं फटाफट यहाँ पे पूजा करके साइड लग गई क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ में अच्छे से नहीं होता है कुछ भी. तो मैं फटाफट करके साइड निकल गई एंड अभी मेरा भाई कर ही रहा है और मम्मी भी कर ही रही है पूजा. मैं कर ली फटाफट में एंड साइड में खड़ी हो गई क्योंकि और को भी तो मौका देना चाहिए पूजा करने के लिए. एंड अब हम लोग जा रहे हैं अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए. तो दिखाती हूँ आप लोगों को मंदिर में भी कितना ज़्यादा भीड़ है एंड यहाँ पे भी सब लोग पूजा ही कर रहे हैं. तो ये अभी पुराना मंदिर है नया मंदिर में बहुत जल्दी हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं. तो पुराना मंदिर में अभी पूजा हो रहा है एंड यहाँ पे भी भीड़ है. तो मैंने पूजा कर लिया फटाफट एंड मम्मी कर रही है पूजा. उसके बाद हम लोग भोले जी में पूजा करने आए यहाँ पे है हर हर महादेव में पूजा कर रहे हैं.
भीड़ के वजह से तो मैं कुछ अच्छे से कर ही नहीं पाती हूँ। एंड पूजा कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पे टीका लगा रहे हैं माता से, यानी कि इस मंदिर के पुजारन है वो, उनसे हम लोग टीका लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने और भी पंडित जी से टीका लगाया, चारों तरफ पंडित जी बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाजे से टीका लगाया एंड उन्होंने मेरे बड़े पापा के बारे में पूछ रहे थे कि बड़े पापा अभी तक क्यों नहीं आए, तो बड़े पापा भी सो रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, भीड़ तो बढ़ते जा रहा है और हम लोगों ने अच्छे से पूजा कर लिया। एंड ये हमारा न्यू मंदिर है जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अभी बहुत कुछ बाकी है करने को। एंड हम लोग अब यहाँ से पूजा किए, फ़ोटोज़ क्लिक करके अब जाएंगे काली मंदिर। तो यहाँ पे मेरी मम्मी है, कितनी सुंदर लग रही है। सो घर के आगे हूँ, मम्मी तब तक लेके आ रही है पूजा का थाली, तब हम लोग जाएंगे काली मंदिर। तो अब हम लोग जा रहे हैं काली मंदिर की तरफ एंड वहाँ पे पूजा कर लेने के बाद फिर से हम लोग आएंगे घर, उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर मुझे पार्लर जाना पड़ेगा क्योंकि पार्लर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और मैं थक जाती हूँ। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं काली मंदिर। तो यहाँ पे भी भीड़ ही है, पहले तो यहाँ पे उतना भीड़ नहीं दिखने को मिलता था, बहुत आराम से हम लोग पूजा कर लेते थे, बट पता नहीं क्यों अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड अच्छे से पूजा भी नहीं कर पाते हैं इस टाइम में, जो नवरात्रि के टाइम मन शांत करके पूजा करने का मन करता है बट वहाँ पे नहीं होता। बट ये बकरी का भी आज बलि का बकरा बनने वाला है, इनका भी आज बलि चढ़ने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हो सब लोग हैं, यहाँ पे भीड़ ही है बट फिर भी पूजा करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गेट के अंदर जाने ही नहीं देते, कुछ लोग को निकालते हैं उसके बाद जाने देते हैं एंड गेट बंद कर देते हैं। तो हम लोग का टर्न कब आएगा पता नहीं अंदर जाने को। सो हम लोग फाइनली अंदर घुस चुके हैं एंड यहाँ से हम लोग घूम के जाना पड़ेगा गणेश जी में पूजा करने, उसके बाद काली माता में। एंड यहाँ पे हम लोग गणेश जी में पूजा कर लिए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ था तो उसका क्लिप नहीं ले पाई। एंड यहाँ पे हम लोग अब काली मंदिर में ही यानी कि काली माता का मूर्ति के आगे पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, भीड़ का तो बात ही मत करो, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। तो अब हम लोग यहाँ पे भी पूजा कर लेंगे एंड यहाँ पे जहाँ पे बलि चढ़ता है वहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। उसके बाद छोटा छोटा मंदिर बनाया गया है, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड, तो वहाँ पे भी हम लोग पूजा कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरा फ्रेंड जो कि शर्माता रहता है पता नहीं क्यों। एंड देखो गाइस ये सब क्या कर रहे हैं, ब्लडी ब्लड है, मतलब मेरा तो सर घूम जाता है ऐसे देख के, और सब कैसे देखते हैं पता नहीं। एंड हम लोगों ने यहाँ पे पूजा कर लिया, अब हम जा रहे हैं घर। तो सबसे पहले तो मुझे पार्लर जाना पड़ेगा, कस्टमर आया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपना फुल लुक सूट कर लिया। एंड मम्मी लेके आई है जेरी एंड हम लोग अभी खा रहे हैं जेरी यानी कि जलेबी। तो मुझे जलेबी पसंद तो है बट क्रंची टाइप में, यानी ये वाला जलेबी क्रंची ही है तो मुझे अच्छा लगता है। एंड हम लोगों ने जेरी खाया, और ज़्यादा कुछ मिठाई में मुझे पसंद नहीं है, मुझे बस रसबेरी पसंद है यही, और ज़्यादा मीठा नहीं खाती मैं। तो गाइज अब हो चुका है नाइट एंड हम लोग जा रहे हैं दुर्गा मंदिर, आरती हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है एंड यहाँ पे चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे हैं। एंड हम ही लोग अभी जा रहे हैं आरती, आरती स्टार्ट हो चुका है बट मम्मी खाना बना रही थी तो फटाफट हम लोग खाना बना के निकले हैं, और आधा आरती ख़त्म हो ही चुका था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी भीड़ ही है, तो चारों तरफ भीड़ ही है। अब आरती भी ख़त्म हो चुका है, मैं बीच में क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि मम्मी गुस्सा करती है, आरती टाइम का मोबाइल लेके बैठी है बोल के। सो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, आरती टाइम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं आरती देखने के लिए, क्योंकि ये मंदिर में जो पंडित आरती गाते हैं वो बहुत ही सुंदर गाते हैं। एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड है एंड उसका हस्बैंड। सो यहाँ पे हम लोगों ने आरती देखा, उसके बाद आरती लिया, मैं तो नहीं ली क्योंकि मैंने नॉन वेज खाया है। एंड यहाँ पे सब प्रसाद ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे लोग तो पूरा भीड़ लगा देते हैं प्रसाद लेने के लिए। हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे, एक हाथ में लेके दूसरे हाथ में फिर से लेते थे। एंड यहाँ पे ये लोग दान पेटी लिए हैं। एंड चलिए अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। तो अब हम लोग घर जाएंगे एंड यहाँ पे अभी होगा कीर्तन, तो कीर्तन में नहीं आने वाली क्योंकि मेरा लोग एंड बॉडी बहुत दुख रहा है, दिन भर पार्लर में करते तो एनर्जी नहीं होता है मुझे इतना। एंड यहाँ पे है गेम मेन गेट का लुक। सो गाइज कल आप लोगों को मैं दिखाऊंगी रावण दहन का भी ब्लॉग। सो गाइज अभी मैं अपने घर में हूँ एंड अभी आरती से हम लोग आ गए हैं,
तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो कल मैं शूट करने वाली हूँ रावण दहन का ब्लॉग, एंड उस ब्लॉग को भी आप ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। एंड कैसा लगा मेरा नवरात्रि ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।